ये पढ़ता था तो हम इसको कोऑपरेट करते थे कि पढ़ रहा है शोर नहीं मचाओ। कभी हम आपस में शोर भी मचाते थे ना तो आता था बाहर निकल के, कहता था मैं पढ़ रहा हूँ शोर मत मचाओ, मेरा पता है कौन सा पेपर है, मैं नहीं आ मुझे मालूम है। फिर हम चुप हो जाते थे, डर डर के खाने के लिए पूछते थे खाना लाए, पढ़ रहा है, मैंने कहा अपना मांगने आएगा तो देंगे नहीं तो नहीं। दोनों बहन भी नहीं जाती थी ना, जब ये खुद हमारे पास आता था, जब थोड़ी हंसी मजाक करता था, बैठता था हमारे पास आके, तभी हमारी बोलचाल ऐसे होती थी। नहीं तो शादी के बाद ही है ना, लक्ष्य हो गया था एक साल बाद ही, फिर और जिम्मेदारी बढ़ गई थी, फिर एक साल बाद ही फैक्ट्री में सील लग गई थी, काम छूट गया था, बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी हमें। लड़की फिर कैसे कैसे करके इन्होंने प्राइवेट जॉब करी थी, तार सप्लाई करते थे, जब घर का खर्चा चलता था कुछ मेरे पियर वाले करते थे, हेल्प करते थे तो उससे घर का खर्चा चलता था, तो हमने ऐसे करी थी। वैसे इन्होंने बच्चों के लिए शुरू में बहुत कुछ किया है, जैसे प्राइवेट पढ़ाया था लक्ष्य को, फिफ्थ क्लास तक पढ़ाया था, और उसके बाद हालात हमारे ऐसे हो गए थे, एक तो रेंट पे रहते थे, मुश्किल हो जाता था हमें किराया निकालना भी। सबसे पहले हमें किराए का देना पड़ता था पैसा, चाहे खाने के लिए हो या ना हो, पहले किराया दो। घर में खाने के लिए भी नहीं होता था एक टाइम, फिर ये कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे करके लेके आते थे। फिर मैंने सोचा कि मेरे को जॉब करनी चाहिए, फिर मैंने कोरियर के उसमें, ये जो कोरियर होते हैं, तो उसमें जॉब की थी मैंने 3,000 रुपये महीने की। फिर मैंने घर का खर्चा करती थी कैसे कैसे 3,000 रुपये में, फिर किसी ने बताया कि स्कूल में है, जीडी गोइंग का स्कूल है बड़ा करगाडूमा में, किसी ने मेरे को, हमारे रिश्तेदार में लगते हैं, उन्होंने मेरे को स्कूल में लगाया मेड की, कि बच्चों की देखभाल करनी और क्लास में रहना, मैडमों की हेल्प करनी। मैं वहाँ पर किया एक दो साल वहाँ पर किया, फिर हमारा ऐसा चलता रहा था घर का, वो किराया भी, सब चीज़, बच्चों की पढ़ाई भी। कोई टाइम ऐसा आता था कि दिवाली के टाइम पे हमसे पैसे भी नहीं होते थे दिवाली बनाने के लिए, कि हम कैसे पूजा करेंगे कैसे, पर भगवान कहते हैं ना कि कोई ना कोई जरिया बना ही देता है हमारे पे, पूजा के लिए तो हो ही जाते थे कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता था। मैं ऐसे जॉब करती रही, स्कूल में करा, फिर मैंने चार्जर बनाया, ये मोबाइल के चार्जर बनते थे यहीं अशोकनगर में, 2,500 में वहाँ काम किया मैंने। फिर एडवांस ले लेके आती थी घर में, जैसे खाने के लिए नहीं है एडवांस, खाना बनाना ये बनाना एडवांस ले लेके आती थी। एक साल मैंने वहाँ किया, फिर मेरे स्कूल से छूट गया था, फिर लापति में किया था 6,500 रुपये में, वहाँ से छूट गया था। फिर मैंने गांधीनगर में किया था कि कैसे न कैसे 1-1.5 महीने मेरे को काम मिल जाए। फिर गांधीनगर में मेरे को काम मिल गया था, फिर मेरे को स्कूल से ही फ़ोन आ गया था जी डी गोइंग का लापति में, यहाँ पर सूरजमल बिहार में, वहाँ बुला लिया था, कह रहे, फिर उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ाई थी स्कूल की तरफ से रख लिया था। फिर मैं और ट्राई करती रही कि कहीं अच्छी वो मिल जाए मेरे को, सैलरी अच्छी हो, 6,500 में क्या होता है। फिर मैं पिकोलो में गई, पिकोलो में देखा कि ये अच्छा बोलती हैं, इनकी लैंग्वेज अच्छी है। मैं 12th पढ़ी थी, यानी कि मैं सर्टिफिकेट नहीं है 12th का, फिर भी मैंने 12th पढ़ी। तो फिर मैंने, मेरे को पीओन की नौकरी दी सर ने, क्या आप आ जाना। फिर उन्होंने मेरी सैलरी अच्छी दी थी 7,500 रुपये, कह रही ये दीदी मैं, हम आपको इस वजह से मिल रही है ये सैलरी, आप पढ़े लिखे हो, आपको पेरेंट्स को हैंडल करना आता है, क्योंकि मैं पीउन की थी, पेरेंट्स आते थे हैंड करती थी, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोल लेती थी कि हाउ आर यू, वाटर प्लीज, ऐसे बोल लेती थी, तो बच्चों से भी थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करनी पड़ती थी।
तो इस वजह से मेरे को नीचे ही रखा था उन्होंने। सबसे बढ़िया मेरे बच्चे इतने अच्छे थे कि भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। कभी मैं बच्चों ने कपड़ों के लिए जिद नहीं करी कि मम्मी तीज त्योहार है हमें कपड़े नए चाहिए, कभी नहीं कहा। कभी कुछ चीज वाला आ जाता था गली में कि मम्मी हमें ये चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं मांगते थे। अगर कोई रिश्तेदार भी इन्हें पैसे दे के जाते थे ना तो मेरे हाथ में दे देते थे कि लो मम्मी ये रख लो।